नमस्कार दोस्तों आज इस सेशन में एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं आपको जो किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन में प्रगति के लिए उस कहानी में एक ऐसा सबक है जो किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन में प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है कहानी कुछ यूँ है कि एक जंगल में देखो काल्पनिक कहानी है बस एक शिक्षा के उद्देश्य से सुनाई जाती है कि एक जंगल में एक बार एक गधे और एक टाइगर बाघ के बीच में बहस हो जाती है बहस इस बात को लेके थी कि टाइगर ने कहा कि जो घास है वो हरी है ग्रीन है लेकिन गधे ने ये कहा कि घास ग्रीन नहीं बल्कि ब्लू है मतलब नीली है दोनों के बीच में एक हीटेड यूँ कहिए कि बहुत ही गर्म बहस शुरू हो गई बात यहाँ तक पहुँच गई कि कोर्ट, अर्थात शेर की अदालत तक जाना पड़ा और जंगल का न्यायालय शेर की अदालत होता है तो लॉयन के कोर्ट में बात पहुंची दोनों पक्ष वहां पहुंचे जाते ही गधे ने स्क्रीमिंग एक प्रकार से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया और शेर के सामने ही चिल्लाया कि माय लॉर्ड घास तो नीली है ब्लू है लेकिन ये टाइगर मान ही नहीं रहा टाइगर कह रहा है कि घास ग्रीन है अब आप ही निर्णय कीजिए शेर ने कहा कि गधा सही कह रहा है घास वास्तव में नीली है तो फिर गधे ने कहा कि जब घास नीली है तो ये टाइगर हार गया इसको पनिशमेंट दीजिए और शेर ने टाइगर को पांच साल का पनिशमेंट दे दिया ये कि, कि पांच साल तक आप बिल्कुल चुप रहोगे किसी से बहस नहीं करोगे बोलोगे भी नहीं आप बिल्कुल खामोश रहने वाले टाइगर बड़ा आस्से चकित हुआ किया ऐसे कैसे हो गया टाइगर ने सजा स्वीकार कर ली न्यायालय के आदेश तो मानने ही पड़ते सब कुछ होने के बाद टाइगर ने वापस लॉयन से पूछा कि माम माय लॉर्ड के घास तो वास्तव में गिरी नहीं आपने फिर तो शेर ने कहा हाँ घास तो एब्सोल्युटली ग्रीन ही है हरी है तो फिर आपने मुझे पाँच साल की सजा किस बात की दी उन्होंने कहा मैंने सजा इस बात की नहीं दी कि घास हरी है या नीली है मैंने सजा इस बात की दी आपको कि आप ऐसे लोगों से बहस करती क्यों आप तो समझदार प्राणी हो मैंने सजा इस बात की दी है कि एक समझदार होते हुए भी, भी आप एक ऐसे मूर्ख व्यक्ति से एक मूर्ख जानवर से बहस कर रहे हो जो आपसे बहस को डिजर्व भी नहीं करता ऐसे व्यक्ति कभी भी ऐसे व्यक्ति हो चाहे जानवर हो कभी भी अपनी बात से नीचे नहीं उतरेंगे चाहे वो गलत हो वो किसी दूसरे को सुनने के आदि भी नहीं है वो दूसरे को स्वीकार भी नहीं करेंगे चाहे वो सच हो तो ऐसे लोगों के साथ आप समझदार होकर बहस कर रहे हो बहस की है आपने इस वजह से मैंने सजा दी है अब इस बात से हम क्या सीख सकते हैं इस बात से वही सीख सकते हैं कि हम भी समझदार हैं एक एज एक स्टूडेंट को तो इस बात को फॉलो करना ही चाहिए कि हमें ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए कभी निरर्थक बहस में नहीं पढ़ना चाहिए ऐसे लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि वो गलत है भले वो गलत हो ऐसे लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि आप सही हो भले वो उसको पता हो कि आप वास्तव में सही हो फिर भी वो स्वीकार नहीं करेंगे तो ऐसे लोगों से बहस करके आप अपना समय कभी जाया ना करें वर्तमान के इस दौर में सोशल मीडिया के इस दौर में बहस सामान्य बात है आप चाहे किसी कोई भी सोशल साइट्स खोलोगे हर जगह बहस चल रही धर्म के नाम पे हो सकती है राजनीति के नाम पे हो सकती है विचारधारा के नाम पे हो सकती है जाति के नाम पे हो सकती है किसी भी मुद्दे को लेके हो सकती है हर जगह बहस चल रही है तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा इस बहस में आप सभी विद्यार्थी दूर रहे ये ये बात हर जगह लागू है अगर किसी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ना है तो ऐसे ऐस इस प्रकार के प्राणियों से अलग रहे इससे क्या होगा इस बहस से आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा और न आप किसी को सिखा पाओगे इसमें सिर्फ आपका समय खराब होगा और साथ में आपका मन मस्तिष्क अशांत हो जाएगा पहले मैं फेसबुक वगैरह पे लिखा करता था तो फिर क्या हुआ कि जब भी लिखता था बहुत मेहनत करके लिखते हम लिखने के बाद फिर नीचे कमेंट्स क्या आते थे की उस राजनीति से प्रेरित है ये धर्म से प्रेरित बात है क्योंकि नुस्ख निकालने वाला व्यक्ति बस कहीं ना कहीं कोई भी शब्द पकड़ के और पूरी की पूरी बात निकाल देता है और जितना अच्छा कंटेंट होता है उसको नकार के कोई एक शब्द निकाल के क्योंकि आप कितना भी अच्छा लिखोगे अगर आप कमी निकालने वाले हैं तो आप छिद्रन्वेषण है तो आप उसमें से कमी निकाल के उसके ऊपर लाछन लगा दोगे फिर क्या होता है फिर कॉमेंट्स में जवाब देते रहो वगैरह वगैरह बहस करते रहो पूरी रात फिर वो एक मन अशांत रहता विचलित रहता इसलिए फिर वो धीरे धीरे लिखना ने कम कर दिया अब मैं उन मुद्दों पर बात ही नहीं करता क्यों क्योंकि मुझे इस वर्ग में नहीं रहना है इसलिए आप जो है इस चीज का हमेशा ध्यान रखना खामोशी के साथ जो काम किया जाता है उस काम का कोई मुकाबला नहीं आप बस अपना ईमानदारी के साथ काम करते जाइए आप ऐसे उलझे नहीं ऐसे लोगों से अगर आप ऐसे लोगों से उलझोगे तो आप कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे ये लोग आपकी एनर्जी को यहीं पे खत्म कर देंगे क्योंकि व्यक्ति के अंदर जो एनर्जी होती है वो उस एनर्जी को अगर खत्म कर दिया जाए तो व्यक्ति वैसे ही जिंदा लाश है वो तो आप अगर ऐसे लोगों से अड़े रहोगे क्योंकि ऐसे लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा है तो ऐसे लोगों से अगर अड़े रहोगे तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप पूरा दिन यही काम करोगे कुछ भी प्रोडक्टिव कार्य नहीं कर पाओगे जिस उद्देश्य के साथ आप आए हो जिस उद्देश्य को लेकर आप कार्य कर रहे थे बिजनेस हो चाहे पढ़ाई हो कोई भी क्षेत्र हो आप वो सब नहीं कर पाओगे आप कंप्लीटली ऐसे लोगों में उलझ के रह जाओगे आप अपनी एनर्जी को यहीं ख़राब कर दोगे इससे बेहतर ये होता है कि ऐसे लोगों से आप बचिए और अपनी स्पीड को अपने कार्य को ऐसे लोगों से बिना डिस्ट्रैक्ट हुए निरंतर करते जाइए तब मज़ा आएगा इस कहानी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है इस कहानी को मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा था तो मुझे अच्छा लगा कि इस कहानी को आप तक पहुंचाना चाहिए और एक एक चित्र में और बताना चाहूँगा जो जो मुझे बहुत प्रेरित करता है ये नदी है और ये नदी अपने अपने स्पीड से चलती है अपने हिसाब से चलती है और जो इसके अंदर कचरा होता है वो अपने आप साइडों में आता जाता है अपने आप कचरा साइड में लग जाता है और नदी अपनी स्पीड से गति करती जाती है तो एक व्यक्ति को इस नदी की भांति बनना चाहिए कि व्यक्ति को अपना काम करते जाना चाहिए ईमानदारी पूर्वक जो आपका जो बीच में जितना भी कचरा आएगा जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग आएंगे वो अपने आप किनारे होते जाएंगे और आप निरंतर आगे बढ़ते जाओगे ये 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 चीज़ें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है विद्यार्थियों और आ, मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि वो आप किसी भी मुकाम पे सफल होना चाहते हो तो, तो अपनी एनर्जी को बचा के रखें और जिस उद्देश्य के लिए आप आए हो जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो जो भी आप कार्य कर रहे हो आपकी एनर्जी वहाँ लगनी चाहिए ऐसे क्षेत्रों में लगनी नहीं लगनी चाहिए जहाँ आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता हो इसलिए कहते हैं कि खामोशी के साथ अपना काम करते जाइए कचरा अपने आप साइड में होता जाएगा और मूर्खों से बहस न करें आप जो है अगर आपको पता है सही चीज़ें हैं गलत चीज़ें हैं सारी चीज़ें हैं तो न्यूट्रल व्यू रखते जाइए आगे बढ़ते जाइए और मैं तो इतना मानता हूँ कि जब भी संघर्ष के दिन होते हैं जब स्ट्रगलिंग लाइफ होती है उस समय तो वैसे भी बहस नहीं करनी चाहिए क्यों क्योंकि आपकी एनर्जी पूरी वहीं ख़राब हो जाएगी अगर एनर्जी ख़राब हो जाएगी तो आप सक्सेस हो ही नहीं पाओगे तो सफलता के बाद तो फिर भी बात की जा सकती है लेकिन अगर सफलता की और अगर है आप मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों आपने आपके मैंने पाँच मिनट लिए बस ये सीख देने आया था कि खामोशी के साथ आगे बढ़ते जाइए परिणाम एक दिन अपने आप लोगों को जवाब देगा और ऐसे नकारात्मक लोगों से ऐसे उस प्रकार के गधे जैसे प्राणियों से अपनी एनर्जी जो है व्यर्थ न करें बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे रहिए मस्त रहिए और पढ़ते रहिए